सो वेलकम टू माई चैनल गाइस। होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन। जय श्री कृष्णा। एंड अरे ये क्या भाई, पढ़ाई वढ़ाई होती है क्या? ओह माय गॉड, कौन सा आज एग्जाम है? क्या 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 टेस्ट है मेरा? उसको इसको यूनिट टेस्ट कहते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट्स हैशटैग स्टारबक्स ऐसे नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग के समय में उसको यूनिट टेस्ट बोलते थे। यार ये स्कूल यूनिफॉर्म कितना ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। तो इसका ब्लू हाउस है, मेरा रेड था और पता नहीं क्या। खैर वो छोड़ो, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज एक अपडेट है कि आज अनंत नहीं आ रहा बिकॉज ही हैव सम वर्क टू डू। तो आज गौरव आ रहा है, मैं उसके साथ ग्राउंड चल रहा हूँ और हम लोग ग्राउंड चल के आपसे बात करते हैं। ठीक है, सब ठीक है, सब चक। तो भाई ये हमारी स्कूल बस है, एक समय हम भी इसमें जाया करते थे, लेकिन अभी कहाँ है गार्ड साहब? कहाँ है गार्ड भैया? सब बढ़िया बढ़िया है। अरे यार स्कूल बस बहुत याद आती है मुझे अपनी स्कूल बस में। हम लोग की सीट वहाँ पीछे हुआ करती थी, हमें वहाँ बैठते थे। और बताइए बस इंचार्ज कैसे हैं हमारे? गुस्सा उस्सा करते हैं कि नहीं? अब सब वैसा ही है। अच्छा, अब डेगा भैया है कि नहीं? डेगा भैया है कि नहीं? तिवारी जी एस सी टीन वाले हमने गार्ड सब है, गार्ड भी हैं और संतोष भी हैं, तिवारी भी हैं, सब है। तिवारी तो अब चलते हैं उधर कच्चापुर वाली। अच्छा बढ़िया, नहीं बस आए खड़ी हो गई है बस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको बहुत याद आ रही है अपने को स्कूल कॉलेज की। देखो ये भी आ गए यहाँ पे, क्या ही बोले। चलो ठीक है, अभी चलते हैं ग्राउंड पे क्योंकि गौरव आने वाला है, तुम वहाँ चल के बात करते हैं। चलो बाय। बहुत यादें हैं, कभी हम लोग भी ऐसे यूनिफॉर्म पहन के चढ़ा करते थे। चलिए बाय भैया। अब लेकिन यार क्या ही बोले, ठीक है कुछ चीज़ें कुछ समय तक के लिए अच्छी होती हैं, अच्छी लेकिन हाँ मैंने, मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं कि मैंने स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं की। मैं मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय किया स्कूल लाइफ, मतलब आई वॉज अ बैक बेंचर, तो समझ जा रहा हूँ कैटेगरी क्या थी अपनी, लेकिन रिस्पेक्टफुल बैक बेंचर। तो आज हम मतलब BHU जाने वाले हैं, बट आई गॉट जस्ट स्मॉल सरप्राइज बिकॉज मिश्रा बॉय इज इन द हाउस। सब बढ़िया भाई? सब बढ़िया। यहाँ पे देखो इडली खिला रहा है हम लोग को, हम लोग कहाँ हेल्थ कॉन्शियस बनने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ इडली खिलाने लग गया। लेकिन और हाँ, ये जो भैया हैं इनके शॉप के बारे में हमने अपनी स्ट्रीट हॉपर सीरीज़ के बारे में बात की है, जो स्ट्रीट फूड हमने कवर किया है, आपका व्लॉग हमने डाला है, और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देखिए। कैसा भी आपको यहाँ पे इडली अच्छी लगती है? बिल्कुल 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 सही। आप बताइए भैया, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया एकदम, यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और कोविड में कैसे आपका चलता था भैया? फिर कोविड में ठीक ठाक चलता था, ठीक ठाक चल जाता था कोविड में, और बढ़िया चल रहा था। अरे तो आप चाहते हैं फिर कोविड हो जा रही यार ये? नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में सारा काम हो जाता था, घंटे में सब काम। तो चलिए ये रही, अरे अरे भाई ऐसे, तो अभी ये रही अपनी फ्राई इडली, हैशटैग हेल्थ कॉन्शियस। घर जाके माता जी से मैं गाली सुनूंगा। हाँ अब खा लेते हैं अपनी मील, इन्जॉय करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद ग्राउंड जाके वर्कआउट करते हैं इसको बर्न करने के लिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में चूतिया लिख दो, ठीक है? चलो भाई। सो फाइनली अभी हम लोग BHU आ चुके हैं। BHU का ये ग्राउंड है, ब्रोशा ग्राउंड ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, हम लोग वहाँ पे बास्केटबॉल खेलने भी आते हैं, और उसके बाद वहाँ पे स्केटिंग के लिए भी है, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मतलब एरिया वाइज है। और मिश्रा वर्ल्ड में नहीं सॉरी, ठीक है गलती हो गया, मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में निकल जाता है। वर्ल्ड लेवल में टॉप 100 में है। तो मिश्रा बॉय तुम्हारी इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल का राज क्या है जो आज हम लोग इडली उडली खाए हैं, बताओ? देख जी करके चल रहे तेरे भाई की बल्ले बल्ले। अरे 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 ये नेक्स्ट लेवल था भाई, ये नेक्स्ट लेवल था। तो भाई अभी आज सीन ऐसा है कि हम लोग खा पी तो लिए थोड़ा बहुत, और एक्सरसाइज करने का उतना मूड नहीं है, दो हम लोग सिर्फ स्किपिंग गौरव हमको सिखाएगा, मतलब जो भी अपना हमारी चल रही है गौरव ट्रेनिंग दे रहा है, थोड़ा वो स्किपिंग का मुझे सिखा रहा। अच्छा तबला सीख गया तुम्हारा? नहीं अभी भी। ये देखिए यहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं, ऑक्शन ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे अभी, क्या बोले अभी यार स्किपिंग करके मतलब थोड़ा अभी फ्री हुए हैं, गौरव को काफ़ी कुछ सिखाया, मतलब स्किपिंग ही किया ज़्यादा, कुछ ऐसे वॉक वॉक नहीं किया, जॉग वॉक नहीं किया क्योंकि काफ़ी थक गए थे, कुछ खा भी लिए थे तो खाने के बाद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लोग अभी ऑक्शन ट्रेडिंग में बिजी हैं अपने, तो चलते हैं हम लोग अभी घर और आराम से बात करते हैं आपसे, ठीक है?
मतलब फाइनली रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और बहुत अच्छी बात नहीं है. लाइक मेरी प्लेटलेट्स अभी 1.23 लाख हैं. मिनिमम प्लेटलेट्स 1.5 से लेके 4 लाख तक होनी चाहिए. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है. तो अभी देख रहा हूँ, मतलब ये सब चल ही रहा है. जूस पीना है, पपीते का, कीवी, एप्पल एंड ऑल, अभी सब खाना तो है ही. लेकिन अभी पता है मैंने 2-3 बार टेस्ट कराया था. पिछले बार मतलब मेरी प्लेटलेट्स 1.29 थी. उसके बाद मैंने खाना वाना शुरू किया, फिर अभी और कम होगी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि रीज़न है क्या इस चीज़ का. तो आई गेस अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. एनीवे अभी तो जो भी है, कड़वाहट के साथ थोड़ा ये सच है कि प्लेटलेट्स कम है, तबीयत ख़राब है. और अभी मुझे अंदर से फील भी हो रहा है कमज़ोरी, क्योंकि रोज सुबह उठ के जा रहा हूँ. शेड्यूल भी थोड़ा शिफ्ट हो गया. पहले मैं दोपहर में सो के उठता था, अब मैं सुबह सो के उठता हूँ. अभी पहले इसको पीते हैं. क्या हो गया अभी? जाइए जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए. बहुत ज़्यादा लगता है यार, बीमार होने का अभिशाप है. बहुत इसको पीने के बाद मैं एप्पल जैसे भी खाता हूँ तो कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है. और अब भाई प्लेटलेट्स तो बढ़नी चाहिए, लेकिन जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स ही नहीं रहेगी, मतलब इम्यूनिटी, जो आपको नहीं समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है, तो केयर तो करनी पड़ेगी मतलब अपनी. ठीक है, खाना पीने पर ध्यान देना. आज सुबह इडली खा के आए और कह रहे हैं प्लेटलेट्स में, मतलब शर्म है, एकदम शर्म भी नहीं आ रही हमें, क्या ही बोले. लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि मैं बाहर का बिल्कुल भी ना खाऊँ, एकदम भी नहीं. और सिर्फ घर में मतलब फल फूल और जितना भी हेल्दी डाइट होती है वो फॉलो करूँ. क्योंकि यार ऐसे नहीं चलेगा, हेल्दी बॉडी रहेगी तभी हेल्दी सोच पाऊँगा या फिर हेल्दी कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँगा जो आप लोग देख रहे हैं. तो जो भी है, अभी वैसे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 भी नहीं, 3 बज गए होंगे. लेकिन अब हम लोग मिलते हैं आपसे शाम में. ठीक है तो भाई अभी हो रही है शाम और कल मुझे जाना है एक इवेंट में. तो उसके लिए जो हमारे कैमरा मैन है मिस्टर सानिध्य, उनसे मैं उनका सूट ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा तो पुणे में. और भाई मोदी दे दो यार सूट, अभी तक तुम सारे सामान नहीं भेजा. हमें पता है तुम ब्लॉग देख रहे हो, ज़्यादा सोचो मत. ये नरेंद्र मोदी नहीं, मेरा रूममेट है, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी मतलब आई होप ठीक ठाक लग रहा हो फॉर्मल. वैसे लेके जाना है अभी जो भी, हम लोग देखते हैं. तुम क्या कहना चाहोगे, आज तुम आए क्यों नहीं भाई जॉगिंग करने? अरे मेरा इंटरव्यू था. इंटरव्यू इंटर्नशिप का? नहीं नहीं, दूसरी कंपनी का. ओ भाई हम बड़े नकारा फील हो रहा है भाई, हमको सही बता रहे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे ये लोग ऊपर से. ये अलग एमबीए कर रहा है साले जी. तुम बताना चाहोगे ऑडियंस को? मेरा मास्क अंदर एल्युमिनियम का है, प्लीज ना करें एमबीए, हालत खराब हो गई. अरे क्या अरे यार. सो फाइनली अभी स्नैक्स का टाइम है, तो चाय के साथ मठरी का जो मजा है वो मतलब नेक्स्ट लेवल होता है. वैसे अगर आपको भी लगता है तो समझ रहे हो ना, बताओ कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो इस चाय की चुस्के के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनफैक्ट, कि मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि मुझे यार बताओ यार क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि अब रेगुलरली व्लॉग्स कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, कि आप सही, आपको सही में पसंद आ रहा है कि नहीं, या फिर मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए इस चीज़ में. तो जैसा भी है, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो तो मुझे DM करो, नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. फॉलो करो मुझे उस पर, पर्सनली सजेस्ट करो जो भी जैसा आपको लगता है. आपके थॉट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, अगर आप मुझे कुछ कमी है अप्रिशिएट करते हो, या फिर जो भी है तारीफ भी करते हो तो भी. ठीक है, तो थैंक यू, होप यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग. सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सब्सक्राइब पे लाइक और एक्टिव साइन हो गया. एनीवे गुड बाय. तो भाई काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए. तो देख रहे हो ना, मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है भाई काफ़ी. वाराणसी में तो कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. अगर आप गलत बोल रहे हैं. LPG के रेट कितने हैं?